टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली। जब एसी सर्किट के साथ ओनली रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो उसके वोल्टेज और करंट जो हम निकालेंगे उसके फेज डिफरेंस पे क्या फर्क पड़ेगा और उसका फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो वो आज हम यहां पर आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो देखो हमने लैंड किया कि यहां से हमने एक एसी अप्लाई किया रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस हमने एसी अप्लाई किया और जो एसी अप्लाई किया उसकी वैल्यू है बच्चों E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। E नॉट आपको बताई है मैक्सिमम वोल्टेज, साइन ओमेगा टी इसके वेरिएशन को शो करता है एसी को, और इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 नेम दे दिया। ठीक है, और लेट किया इसमें से I करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो देखो इफ I करंट इज फ्लोइंग through circuit, then potential difference across R, अगर I current इससे फ्लो हो रहा है तो R के across potential difference कितना होगा? Ohm's law से V is equal to IR, है ना? तो V is equal to क्या हो जाएगा? IR. This is equation number 2. हमने अप्लाई कितना किया था? E नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके अक्रॉस कितना आया? V इक्वल टू आई आर। तो दोनों पोटेंशियल क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, और तो कोई है नहीं पोटेंशियल लेने वाला, केवल रेजिस्टेंस ही है, दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू वोल्टेज Across R, R के across जो voltage होगी वो applied voltage के equal होगी, तो इनको हम equal put कर लेते हैं equation 1 and 2 से, तो देखो क्या होगा, IR is equal to हो जाएगा E not sin omega t, और यहाँ से अगर I निकाला जाए तो R मेरे पास इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा E not upon R and sin omega t, okay? अब ये I will be maximum current, हमारे पास maximum कब होगा? I will be maximum when sin omega t is equal to 1 हो जाए। अगर sin omega t की value 1 हो जाती है तो maximum होगा, क्योंकि sin की value minus 1 से plus 1 तक vary कर रही है, तो मैंने 1 माना है, ये maximum तो current भी maximum, तो अगर ये मैक्सिमम 1 हुआ तो करंट भी मैक्सिमम, यानी आई नॉट हो जाएगा, मैक्सिमम करंट को आई नॉट से शो करते हैं, वो कितना हो जाएगा? ई नॉट अपॉन आर के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसको इक्वेशन नंबर में 3rd नेम दे देता हूं, ई नॉट अपॉन आर, और इसकी वैल्यू मैंने यहां पर 1 पुट कर ली। ओके, तो 1 साइन ओमेगा टी 1 पुट करते ही मैक्सिमम हो गया, तो देखो आई नॉट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां से आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। तो ये जो इक्वेशन है इसको मैं 3rd और इसको मैं 4th इक्वेशन दे देता हूं, तो नाउ इक्वेशन 3rd क्या हो जाएगी बच्चों? I is equal to E not upon R किसके इक्वल आया? I not के इक्वल, तो E not upon R की जगह पर 4 इसको नहीं इसको दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें 1 भी आ रहा है, इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये टर्म यहां से निकल कर आई है, तो इसको मैंने इक्वेशन 4 नेम दे दिया। तो देखो I क्या हो जाएगा? E नॉट अपॉन R, तो E नॉट अपॉन R किसके इक्वल है? I नॉट के इक्वल है, तो ये I नॉट हुआ एंड sin ओमेगा t, तो ये मेरे पास करंट आया और ये मेरे पास वोल्टेज आया। ठीक है, तो वोल्टेज जो अप्लाई किया था वो ये था, करंट को मैं यहीं पर लिख देता हूं sin ओमेगा t, ये इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, तो ये वोल्टेज हमने अप्लाई किया था, ये करंट आया, तो देखो क्या कोई फेज डिफरेंस है? वहां पर भी फेज कितना ओमेगा टी है, यहां पर भी फेज कितना ओमेगा टी है, इसका मतलब कोई फेज डिफरेंस नहीं है। एक चीज और मैं यहां से लिख लेता हूं इक्वेशन 4 से, अगर इसको मैं ओम्स लॉ के साथ कंपेयर करता हूं बच्चों, कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद ओम्स लॉ, तो क्या होगा? ओम्स लॉ आपको पता है करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूं उसको, करंट
यानी आई पूरा लिख लेते हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो देखो वोल्टेज, अगर मैं रेजिस्टेंस कंटेनिंग सर्किट की बात करता हूं तो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है मेरे पास, आर आ रहा है यहां से, रेजिस्टेंस कितना आ रहा है बच्चों, आर आ रहा है, यानी रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ, यानी जो रेजिस्टेंस जैसे मेरा एसी सर्किट में काम करता था ऐसे ही रेजिस्टेंस मेरे पास डीसी सर्किट में भी काम करेगा, या मैं बोलूं जैसे डीसी सर्किट में काम करता था ऐसे एसी सर्किट में भी काम करेगा, रेजिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं होगा अगर सर्किट में ओनली हमने रेजिस्टेंस लगाया है देन। ओके, अब हम इसके फेजर डायग्राम की बात कर लेते हैं। फेजर डायग्राम क्या होता है, बेसिकली ग्राफिकल फॉर्म में ही करंट के और वोल्टेज के फेज डिफरेंस को शो करना, उनके वेरिएशन को शो करना ही फेजर डायग्राम है। तो क्या है फेजर डायग्राम, एक बार लिख लेते हैं हम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या है, एक रोटेटिंग वेक्टर है जो जिससे एम्पलीट्यूड, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जैसे मैंने एक्सिस लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहां पर अगर मैंने करंट को वोल्टेज जो मैंने अप्लाई की थी, तो मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट को मैंने यहां रिप्रेजेंट किया, ये ओमेगा टी एंगल पर है एक्स एक्सिस से, तो ये ओमेगा टी एंगल पर हो गया, तो ये वोल्टेज को शो कर रहा है। अब जो करंट है वो मैक्सिमम तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से तो कुछ ना कुछ कम रह जाता है, तो यहां पर मैंने करंट मान लिया I नॉट, ठीक है, तो ये वोल्टेज हुआ और यहां से ये करंट हुआ। तो यहां से देखो अगर ये ओमेगा टी एंगल है तो ये भी मेरे पास ओमेगा टी एंगल होगा, तो ये जो यहां से यहां तक लेंथ है ये क्या शो करेगी बच्चों, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी शो करेगी, क्योंकि एंगल की तरफ ये मेरे पास कॉस में ब्रेक होगा कॉस ओमेगा टी, और कॉस ओमेगा के परपेंडिकुलर यहां तक साइन में ब्रेक होगा, तो क्या हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। और अगर मैं करंट की बात करता हूं तो करंट इधर आई नॉट कॉस ओमेगा टी में ब्रेक होगा, और इधर मेरे पास किसमें ब्रेक हो जाएगा बच्चों, ये आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो और ये रोटेटिंग वेक्टर्स हैं जो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी ये चीज पढ़ी हुई है कि जो रोटेट होगा वो ओमेगा क्या है हमारे पास, जो ओमेगा हम यहां पर लिख रहे हैं वो एंगुलर वेलोसिटी है जिससे ये रोटेट कर रहा है। तो ये मेरे पास फेजर डायग्राम हो गया इसका, एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, दोनों का फेज सेम है ओमेगा टी एंड ओमेगा टी, इसी की वजह से हमने वोल्टेज को भी एक्स एक्सिस से ओमेगा टी पर दिखाया और करंट को भी हमने एक्स एक्सिस पर दिखाया, ठीक है, ओमेगा टी एंगल पर एक्स एक्सिस से दिखाया। तो अगर मैं यही चीज नेक्स्ट टॉपिक में आपको कराऊंगा जहां पर एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस आएगा, तो वहां पर ये फेज जो है वो सेम नहीं आता, फेज का डिफरेंस आता है। ओके, तो